नमस्कार विद्यार्थियों, नव भारती परिवार में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको राजस्थान की जलवायु पढ़ा रही हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण करना, जलवायु क्या होती है, राजस्थान की जलवायु कैसी है, इसके बारे में अध्ययन किया था। आज मैं आपको राजस्थान की जलवायु के तीन वर्गीकरण बताऊंगी, जो व्यक्तिगत वर्गीकरण के अंतर्गत आते हैं, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से भी काफी फायदेमंद है। कोपेन, थॉर्नवेट और ट्रिवाता का जो वर्गीकरण है उसको मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ। और एग्जाम के दृष्टिकोण, चाहे आरपीएस का एग्जाम हो, चाहे आरपीएससी का फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड हो, चाहे आगामी दिनों में आने वाली पटवार एग्जाम हो, सब में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं। तो राजस्थान की जलवायु, मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था कि राजस्थान की जो जलवायु है वो कौन सी जलवायु है, वो उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु है। कौन सी है? राजस्थान जो है उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। ठीक है विद्यार्थियों, राजस्थान की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु है। फर्स्ट क्वेश्चन अगर बाहर से पूछता है तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि राजस्थान की जलवायु कैसी है, तो आपका आंसर होगा विद्यार्थियों, राजस्थान की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु है। ठीक है विद्यार्थियों, अब उसके बाद देखिए, आज जो मैं आपको बताने वाली हूं वो है कोपेन, ट्रिवाता और थॉर्नवेट का मानचित्र के द्वारा आज मैं आपको वर्गीकरण बता रही हूं। इसमें से एक क्वेश्चन पक्का आता है विद्यार्थियों। तो आज जो मैं बता रही हूं वो सबसे पहले मैंने पिछले वीडियो में भी आपसे डिस्कस किया था कोपेन के वर्गीकरण के बारे में। किसके बारे में? कोपेन के वर्गीकरण के बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया था। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कोपेन ने तापमान, वायु दाब, तापमान, वर्षा और वनस्पति, तापमान, वर्षा और वनस्पति के आधार पर तीन भागों में बांटा है। किसको? चार भागों में बांटा है राजस्थान की जलवायु को। इसके बारे में मैंने आपको से पिछले वीडियो में भी क्या किया था, डिस्कस किया था कि राजस्थान की जो जलवायु को बांटा उसमें कहा AW, BWHW, BSHW और CWG। ये चार भागों में राजस्थान की जलवायु को बांटा कोपेन ने। इसकी डिटेल्स हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, राजस्थान की जो जलवायु है, सबसे पहले देखते हैं AW। AW का मतलब यहां पर कौन सा क्षेत्र है? यहां पर क्षेत्र है उष्ण कटिबंधीय आद्र जलवायु प्रदेश। और राजस्थान का हाड़ौती प्रदेश, जिसमें बूंदी को छोड़ दिया जाए, कोटा, बारा, झालावाड़, ये वाला जो इलाका है वो कौन से में आता है? AW में आता है, उष्ण कटिबंधीय आद्र जलवायु में आता है। अति आद्र जलवायु प्रदेश जो आपने पिछले वीडियो में पढ़ा है उसके अंतर्गत ये प्रदेश आता है। वांगड़ प्रदेश, वांगड़ आपका है प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा वाला जो वांगड़ क्षेत्र है, डूंगरपुर, ये भी इसके अंतर्गत आता है। और माउंट आबू जहां पर राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, उड़िया पठार है, इसी माउंट आबू को भी हम AW के अंतर्गत शामिल करते हैं, क्योंकि माउंट आबू राजस्थान का ऐसा स्थान है जहां पर सबसे ज्यादा क्या होती है? बारिश होती है। तो कौन सा क्षेत्र है? वो माउंट आबू का क्षेत्र है। और सबसे ज्यादा आर्द्रता भी इसी क्षेत्र पर रहती है राजस्थान के। कौन से क्षेत्र पर? माउंट आबू पर। अगर जिलों के दृष्टिकोण से देखें तो झालावाड़ आएगा, और स्थान के दृष्टिकोण से देखें तो क्या आएगा? माउंट आबू आएगा। तो ध्यान रखना, AW में हाड़ौती, बांगड़ और माउंट आबू वाला क्षेत्र आता है। अब आगे की बात करते हैं CWG। CWG उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेश वाला इलाका CWG के अंतर्गत आता है। और राजस्थान का ABCD का मतलब यहां पर क्या है?
यहाँ पर राजस्थान में आपका अजमेर, इसके अलावा बी जो है ए बी सी डी जे पी आर और आर एस टी यू वाला जो चित्र है वो किसके अंतर्गत आता है, सी डब्ल्यू जी के अंतर्गत आता है। आपका राजसमंद वाला इलाका, इसके अलावा सिरोही वाला जिला, टोंक आ गया और ये उदयपुर आ गया, ये वाला इलाका है वो किसके अंतर्गत आता है, आर एस टी यू में आर का मतलब राजसमंद है, एस का मतलब सिरोही है या सवाई माधोपुर वाला इलाका है, टी का मतलब यहाँ पर टोंक है और यू का मतलब यहाँ पर उदयपुर है। ठीक है, उसके बाद देखिए एबीसीडी में क्या है, यहाँ पर एबीसीडी में आपका अजमेर, अजमेर वाला आ गया, जयपुर आ गया, ठीक है बच्चों, और राजसमंद वाला इलाका आ गया, बी में आपका भीलवाड़ा और बूंदी वाला इलाका आ गया, सी में आपका चित्तौड़गढ़ आ गया और डी में आपका दौसा आ गया। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये जो इलाके हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, वो आपके सी डब्ल्यू जी के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद बी एस एच डब्ल्यू जो अर्ध शुष्क इलाका है, राजस्थान में जब जलवायु क्या कोपेन ने वर्गीकरण किया तो बताया कि राजस्थान का सबसे बड़ा जो जलवायु प्रदेश है वो है बी एस एच डब्ल्यू, कौन सा है, बी एस एच डब्ल्यू अर्ध शुष्क जो क्षेत्र है वो इसके अंतर्गत आता है। और लूनी बेसिन, नागौर बेसिन, शेखावाटी बेसिन और घग्गर बेसिन जो है वो इसके अंतर्गत आता है। उसके अलावा आपका जो शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र है जैसलमेर और बीकानेर, राजस्थान में सबसे ज्यादा मरुस्थल का विस्तार जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर वाला जो इलाका है उसमें है, और जैसलमेर और बीकानेर वाला जो इलाका है वो इसके अंतर्गत आता है। श्रीनगर, हनुमानगढ़ और चूरू का आंशिक भाग भी इसके अंतर्गत माना जाता है, ये आपने देखा। अब उसके बाद जो है विद्यार्थियों, सबसे पहला जो इलाका है वो आपका आता है ए डब्ल्यू, क्या आता है, ए डब्ल्यू। ए डब्ल्यू में मैंने आपको बताया कि ए डब्ल्यू वाला जो एरिया है वो किसके अंतर्गत आएगा, ए डब्ल्यू वाला जो एरिया है वो आपके आएगा जहां पर उष्णकटिबंधीय आद्र और अति आद्र जलवायु जहां पर पाई जाएगी वो ए डब्ल्यू के अंतर्गत आएगा विद्यार्थियों। ए डब्ल्यू का मतलब यहां पर है जहां पर उष्ण कटिबंधीय आद्र और अति आद्र जलवायु पाई जाती है वो इसके अंतर्गत आता है। यहां पर जो वनस्पति है वो सवाना प्रकार की वनस्पति मिलेगी, ऊंचे और सघन घास जो है यहां पर विद्यमान पाई जाती है, सबसे ज्यादा सघन वनस्पति राजस्थान के ए डब्ल्यू वाले क्षेत्र में ही पाई जाती है। और कोटा, बारा, झालावाड़, ये आ गया आपका हाड़ोती क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र बेटो बच्चों, हाड़ोती क्षेत्र, ये इसके अंतर्गत आता है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, ये आता है आपका भांगड़ क्षेत्र में आता है। और माउंट आबू, यहां पर ए डब्ल्यू का विस्तार पाया जाता है राजस्थान में, ध्यान रखना आपसे पूछा जा सकता है ए डब्ल्यू उष्णकटिबंधीय आद्र या अति आद्र जलवायु। उसके बाद देखिए इस जलवायु प्रदेश में कौन सी वनस्पति पाई जा सकती है, सघन वनस्पति, तो आपसे पूछा जा सकता है कोपेन वर्गीकरण के अनुसार किस जलवायु प्रदेश में सघन वनस्पति पाई जाती है, तो आपका आंसर होगा क्या, ए डब्ल्यू। ठीक है विद्यार्थियों, अब बात करते हैं नेक्स्ट की, नेक्स्ट ए डब्ल्यू के बाद वाला जो है वो आता है आपका कौन सा, बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू, बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू। देखिए बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू का मतलब यहां पर मैंने बताया था शुष्क मरुस्थलीय जलवायु, कौन सा बताया था, शुष्क मरुस्थलीय जलवायु। शुष्क मरुस्थलीय जलवायु मैंने आपको राजस्थान वाला जो मैप है आपका, राजस्थान में मैंने आपको बताया भी था कि ये जो अपना राजस्थान है इसका जो ये वाला एरिया है ये कहलाता है बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू। ठीक है, और राजस्थान में इस क्षेत्र में जहां पर सबसे ज्यादा राजस्थान का मरुस्थल है, जहां पर वर्षा 0 से 20 सेंटीमीटर के लगभग होती है, यहां की जो वनस्पति है वो मरुद्भिद प्रकार की वनस्पति यहां पर देखने को मिलती है, और यहां पर जिसको हम
जीरो फाइट्स के नाम से भी जानते हैं। तो आपसे ये क्वेश्चन भी यहां पर पुट अप कर सकता है कि मरुद्भिद प्रकार की वनस्पति राजस्थान के किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो आपका आंसर होगा विद्यार्थियों BWHW। उसके बाद देखिए, और आपसे न्यूनतम वर्षा सबसे कम वर्षा वाला जलवायु प्रदेश है, और यहां पर कौन सी वनस्पति पाई जाती है, कंटीली वनस्पति इस क्षेत्र में पाई जाती है। तो ध्यान रखना है विद्यार्थियों, कंटीली वनस्पति BWHW शुष्क मरुस्थलीय जलवायु इसी क्षेत्र में पाई जाती है। जीरोफाइट्स BWHW कहीं से भी क्वेश्चन पुटअप किए, आपको उसकी जानकारी तभी होगी जब आप उसकी डीप स्टडी करेंगे। विद्यार्थियों, सक्सेस होना है, सफलता प्राप्त करनी है, तो क्या करना है आपको, आपको इसके लिए अच्छे से वीडियो को देखना है, ताकि मेरी यही है कि आप जो भी कंपटीशन एग्जाम दे उस एग्जाम को आप अवश्य क्रैक करें। आगे देखिए, BSHW का मतलब यहां पर है अर्ध शुष्क जलवायु मरुस्थलीय और स्टेपी प्रकार की वनस्पति। आपसे पूछा जा सकता है कोपेन वर्गीकरण के अनुसार किस जलवायु प्रदेश में स्टेपी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, तो आपका आंसर होगा BSHW। और यहां की वनस्पति देख ली, लूनी बेसिन। लूनी बेसिन आपको पता होना चाहिए, अजमेर के नाग पहाड़ से निकलती है। कहां से निकलती है विद्यार्थियों, आगे के वीडियोस में जब हम राजस्थान की नदियां पढ़ेंगे उस समय आपको बताऊंगी लूनी नदी। तो लूनी नदी का बहाव क्षेत्र अजमेर, नागौर, जोधपुर, पाली, बाड़मेर, तो ये जो इलाके हैं उनसे होते हुए कच्छ के रण में गिर जाती है। तो इसका जो बहाव क्षेत्र है वहां पर BSHW का विस्तार माना जाता है। इसके अलावा देखिए, नागौर वाला क्षेत्र, घग्गर बेसिन, घग्गर नदी आपको पता ही है, हनुमानगढ़ और गंगानगर वाला जो इलाका है यहां ये नदी बहती है, जिसको द्रसवती नदी के नाम से भी जाना जाता है, सरस्वती नदी के नाम से भी जाना जाता है। और बटनेर दुर्ग के आसपास का जो क्षेत्र है, इसके कारण जो है कई बार यहां पर बाढ़ की संभावना बढ़ जाती है। तो घग्गर नदी, जिसके किनारे कालीबंगा सभ्यता का भी विकास हुआ था, शेखावाटी में आपको पता ही है, सीकर, चूरू और झुंझुनू वाला जो इलाका है वो भी इसी के अंतर्गत आता है। तो ये जो है आपका तीन पार्ट कोपेन वर्गीकरण में हो गए। अब बात करते हैं कौन से चौथे वर्गीकरण में आता है आपका CWG। CWG मतलब है उप आद्र जलवायु, उप आद्र जलवायु। और यहाँ की जो वनस्पति है वो मानसूनी प्रकार की वनस्पति यहाँ पर पाई जाती है। और आपका पता ही है ABCD, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली वाला जो इलाका है, जो राजस्थान का ये वाला चित्र है, अलवर आ गया यहाँ पे आ गया आपका भरतपुर, धौलपुर और यहां पे आ गया आपका करौली। ये वाला जो इलाका है ये इसके अंतर्गत आता है। इसके अलावा राजसमंद, सिरोही, सवाई माधोपुर, टोंक, उदयपुर, RSTU याद रखना है, और जयपुर, ये इस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। आपको याद करने का ABCD, RSTU, CWG में आएंगे। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पुट अप किया जा सकता है कि आपसे जिले दे दिया जाए और किस जलवायु प्रदेश में आता है, इससे संबंधित क्वेश्चन भी यहां पर पुट अप हो सकता है। और ध्यान रखना, सबसे ज्यादा उपजाऊ भौतिक प्रदेश है CWG। ध्यान रखना, शुष्क मरुस्थल है कहां पर, BWHW में, स्टेपी प्रकार की वनस्पति है BSHW में, ध्यान रखना है विद्यार्थियों आपको। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व इसी एरिया में पाया जाता है CWG में, क्योंकि पूर्वी मैदानी प्रदेश वाला जो क्षेत्र है वो इसके अंतर्गत आता है। और पूर्वी मैदानी प्रदेश के जो भौतिक प्रदेश मैंने आपको पढ़ाए थे उसमें बताया था कि 23% एरिया को कवर कर रखा है और यहां की जनसंख्या है 39%। तो आपने देखा कि CWG वाला एरिया में सबसे ज्यादा डेंसिटी पाई जाती है। अब उसके बाद जो है CWG हो गया। अब उसके बाद देखिए, अब आता है त्रिवाता का जलवायु वर्गीकरण। हमने पढ़ लिया क्या,
अभी हमने कोपेन के वर्गीकरण को पढ़ा, लेकिन राजस्थान की जलवायु को त्रिवाता ने भी वर्गीकृत किया है और कोपेन के वर्गीकरण से थोड़ा सा ही अलग है। एग्जाम के दृष्टिकोण से मैंने शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से पढ़ाने के लिए इस वर्गीकरण को यहां पर प्रस्तुत किया है, तो आप इस वर्गीकरण को ध्यान से देखें और समझें। तो देखो, त्रिवाता ने भी राजस्थान की जलवायु को कितने भागों में बांटा है विद्यार्थियों? चार भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? चार भागों में राजस्थान की जलवायु को इसने बांटा है। देखो, यहां पर मैंने दोनों को डिफरेंस करके बताया है आपसे, त्रिवाता और कोपेन दोनों के बारे में। कोपेन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर त्रिवाता से भी पूछा जा सकता है। कोपेन का मतलब यहां पर एडब्ल्यू है, तो त्रिवाता ने भी क्या दिया है? एडब्ल्यू दिया है। बीडब्ल्यू एचडब्ल्यू है, तो इसने इसको नाम दिया है बीडब्ल्यू एच। और 100 सेंटीमीटर की वर्षा जहां पर है उस एरिया को नाम दिया है इन दोनों ने ही एडब्ल्यू। बीडब्ल्यू एच, बीडब्ल्यू एचडब्ल्यू जो आपने पहले कोपेन वर्गीकरण में पढ़ा है, शुष्क मरुस्थलीय वाला जो क्षेत्र है, इसने इसको नाम दिया है बीडब्ल्यू एच। और इसने कहा है कि 0 से 10 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा वाला जो क्षेत्र है वो इसके अंतर्गत आएगा। उसके बाद आता है बीएसएचडब्ल्यू। बीएसएचडब्ल्यू जहां पर स्टेपी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, इसको इसने नाम दिया बीएसएच। ध्यान रखना, इन दोनों में से डब्ल्यू को आउट कर दिया, बस इतना ध्यान रखना है। त्रिवाता और कोपेन में एक ही चीज ध्यान रखनी है, बाकी सारी चीजें सेम है, बस ध्यान रखना। BWH में W गायब हो गया, BSH में भी W को गायब कर दिया, बस इतना सा आपको इन दोनों के वर्गीकरण में ध्यान रखना है। 30 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा वाला क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। उसके बाद है आपका CWG। CWG को यहां पर ध्यान रखना है, CW तो आएगा ही, G तो हटना ही हटना है, बट CW के बीच में A को डाल देना है, बस इतना सा आपको कहानी ध्यान रखनी है। और इसको नाम दे दिया 70 सेंटीमीटर की वर्षा वाला जो क्षेत्र है वो इसके अंतर्गत आता है। तो आपने ये समझा। अब आगे का वर्गीकरण हम देखते हैं। त्रिवाता में ध्यान रखना, BWH में W को हटाना है, BSH में W को रखाना है, CW के बीच में A को ऐड करना है, बस इतना सा आपको इसमें ध्यान रखना है। त्रिवाता हो गया। अब अपन चलते हैं थॉर्नवेट का जलवायु वर्गीकरण, राजस्थान की जलवायु वर्गीकरण के व्यक्तिगत वर्गीकरण में सबसे ज्यादा मान्यता प्राप्त है थॉर्नवेट के जलवायु वर्गीकरण को। और आजकल कोपेन वर्गीकरण के साथ साथ थॉर्नवेट के जलवायु वर्गीकरण से संबंधित भी RS3 में तो कई बार इससे संबंधित क्वेश्चन पुटअप किया गया है। तो देखिए, थॉर्नवेट ने तीन आधार लिए हैं यहां पे, तापमान लिया है, इसके अलावा आपका वाष्पीकरण लिया है, तापमान, वाष्पीकरण और वर्षा, इन तीनों को आधार मान करके इसने भी राजस्थान की जलवायु को चार भागों में बांटा है। यहां आपने देखा ये चार भौतिक प्रदेश आपको दिख ही रहे हैं, EAD, DBW, DAW और CAW। ये चार पार्ट दिए हैं थॉर्नवेट ने और इससे संबंधित क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है। देखो इसमें क्या क्या चीजें हैं। यहां पर सी है, ये सी दिख रहा है आपको, सी का मतलब है उप आद्र। क्या दिख रहा है? उप आद्र, ठीक है, उप आद्र वाला इलाका। इसके अलावा डी का मतलब है यहां पर अर्ध शुष्क, डी है यहां पे अर्ध शुष्क, ठीक है। तो आपने देखा अर्ध शुष्क में इसने दो भाग बना दिए, EAD और DBW। ध्यान रखना वहां पर जो था बी था शुष्क इलाका, यहां पर क्या है? डी है। यहां पर क्या है? डी है। कोपेन में क्या था? बी था। यहां पे क्या है? यहां पर क्या है? डी है। ध्यान रखना है इस बात को, कोपेन के वर्गीकरण में बी था, वो यहां पर क्या है? डी है। तो EAD और DBW, ये देखो, ये डी में DAW और DBW, ठीक है, डी EAD, ठीक है, और DBW, ये है DAW, ये है DBW, DAW अर्ध शुष्क है, ठीक है विद्यार्थियों, और यहां पे DBW है, ये है आपका EAD। अब आप देखिए इसमें क्या बोलना चाह रहा है, शुष्क कटिबंधीय जलवायु प्रदेश को इसने नाम दिया है EAW, वहां पर इसका नाम था BBW, BSHW,
क्या नाम था, एक तो BWHW, ठीक है। तो यहां पर जो इसका नाम था, अभी जो इसका कोपेन का जो वर्गीकरण अगर अपन देखेंगे, कोपेन के वर्गीकरण में इस EAW का नाम था BWHW, ठीक है, इस ईएडी का। तो शुष्क कटिबंधीय जलवायु थॉर्नवेट ने नाम दिया है ईएडी, क्या नाम दिया है ईएडी, किसको नाम दिया है, शुष्क कटिबंधीय जलवायु प्रदेश को, और इसका विस्तार जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर, कहां कहां पर है, जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर में जो इसका विस्तार है वो ईएडब्ल्यू का है। ध्यान रखना ईएडब्ल्यू कोपेन का है, BWHW, ठीक है। यहां पर ये जो DAW है, अर्ध शुष्क वाला इलाका जो है, इस अर्ध शुष्क वाला जो इलाका है, इस अर्ध शुष्क वाले क्षेत्र में आपने देखा, एक है अर्ध शुष्क ये आ गया, एक ये आ गया DBW, ये है आपका शुष्क और अर्ध शुष्क जहां पर जलवायु है, और आपका बीकानेर, चूरू और आपका गंगानगर और हनुमानगढ़, ये है आपका जी का मतलब है यहां पर गंगानगर और एच का मतलब है यहां पर हनुमानगढ़, ठीक है। तो DBW और DAW दोनों अर्ध शुष्क एरिया है, लेकिन इसको दो भागों में बांट दिया कि बीकानेर, चूरू, गंगानगर और हनुमानगढ़ वाला इलाका है वो DBW में आएगा। ध्यान रखना डी का मतलब यहां पर है अर्ध शुष्क क्षेत्र, ठीक है। और इस DAW जहां पर सारे बेसिन आपने पढ़े थे, जो आपका कौन सा हिस्सा था, BBSHW, ठीक है, वो इसके अंतर्गत आएगा। उसके बाद आपका जो उपाद्र वाला इलाका है, उसमें आपने देखा हाड़ोती, वांगड़ और माउंट आबू, जो वहां पर क्या था, AW था, यहां पर क्या हो गया, CAW। कोपेन वर्गीकरण में जो AW था यहां पर CAW हो गया, और जो BWHW था वो DAW हो गया, और EAD जो यहां पर है वो वहां पर क्या है, BWHW हो गया, ठीक है विद्यार्थियों। तो ये जो विस्तार है ये थॉर्नवेट के अनुसार है, और थॉर्नवेट का सबसे बड़ा जो जलवायु प्रदेश है वो है DAW, और वहां पर क्या था, BSHW, चीज वही है, नाम अलग है। तो थॉर्नवेट और कोपेन में आपको क्या ध्यान रखना है वो एक बार देख लीजिए। आपने देखा थॉर्नवेट का सबसे बड़ा जलवायु वर्गीकरण है DAW, और वहां पर कोपेन में था BSHW, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये है आपका थॉर्नवेट और ये है आपका कोपेन, ठीक है। अब आप देखिए कि जो ये EAD है, EAD जो शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र है वो वहां पर क्या था, BWHW, ठीक है विद्यार्थियों। और EAD कोपेन में क्या था, BWHW था, ठीक है। अब बात करते हैं CAW, किसकी, CAW की अगर हम बात करें तो CAW कोपेन में था AW, और एरिया भी वही है हाड़ोती, बांगड़ और माउंट आबू। तो आपने आज कोपेन, त्रिवाथा और थॉर्नवेट के जलवायु वर्गीकरण को समझा। मेरे आगे के वीडियोस में राजस्थान ज्योग्राफी से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं उन सबको मैं यहाँ पर क्लियर करवा रही हूँ, और इससे संबंधित क्वेश्चन आंसर की भी हम आगे के वीडियोस में देखेंगे। तो इसके लिए आप मेरे नव भारती स्टडी सर्कल चैनल से जुड़े रहिए, ताकि आपको आगे के जो नए अपडेट्स है विद्यार्थियों वो भी आपको यहाँ पर मिलते रहे। तो इसके लिए आप राजस्थान के जलवायु वर्गीकरण को आज आपने समझा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे भी इसी तरीके से आपके लिए वीडियो बनाती रहूंगी। तो इसके लिए आप मेरे नव भारती स्टडी सर्कल चैनल को लाइक्स करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेजें, ताकि मैं अपनी आवाज को आप लोगों तक पहुंचा सकूं, और सफलता आपको अवश्य प्राप्त होगी ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद।